बहन मायावती जी से मिलने के बाद अगर MIM और बहन मायावती जी से अलायंस हो जाता है तो मेयर का चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने यही बात कही कि बहन मायावती जी से मिलिए, मुलाकात का समय मांगिए और चुनाव लड़ना है आपको। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मैंने सांसद जी से बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उन्होंने हंस के कहा कि चलिए बहन मायावती जी से कहिएगा, वो आर्थिक स्थिति की आपकी मदद करेंगी। अभी बात चल रही है, अभी मिलने का समय मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा उनसे। अभी तो यही मांग रहेगी कि पहले MIM और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस की बात करेंगे, होता है तो उससे मेयर का टिकट लेंगे, मांगेंगे और लड़ेंगे। उसके बाद सांसद जी से बात करेंगे कि क्या आगे क्या सोचते हैं, आगे क्या कहेंगे, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद सांसद जी ही बता पाएंगे ये बात, तो सांसद जी अभी तो इतनी ही बात हो पाई है, इसके आगे की बस सांसद जी समझे कि क्या करना है। योगी जी से मुलाकात करने के बाद हम तो यही योगी जी से कहेंगे कि हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, जिसे जैसे जैसा कि इससे पहले भी आप लोग के जरिए हमने बात की थी, और अपने भ्रष्ट अधिकारियों को जांच करा लें। वो हमारे रिश्तेदारों से मिलके प्लॉटिंग कराते हैं, पैसा लेते हैं और नाम दूसरे का लगाते हैं, तो इसकी जांच करा लें और हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। अब विकास के मुद्दों पे जाएंगे, विकास के मुद्दों पे जाएंगे और आगे और भी देखेंगे कि किस मुद्दे पे जाना चाहिए।